नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात अल्पसंख्यकों को साधने की। दिल्ली में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों से संवाद और संपर्क का मंत्र दिया था, जिस पर राज्यों में अमल शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने ये जिम्मेदारी संभाल ली है। अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा और विधानसभा सीटों का वर्गीकरण किया जा रहा है, उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है जहां अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है, ताकि इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को साथ कर जीत हासिल की जा सके। इसके लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को माध्यम बनाया जाएगा। उन्हें योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनसे लाभान्वित हुए लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास होगा। लेकिन सवाल यह है, बीजेपी को हिंदूवादी पार्टी माना जाता है, ऐसे में क्या अल्पसंख्यक उस पर भरोसा करेंगे और क्या बीजेपी के इस अभियान को अल्पसंख्यकों का समर्थन मिलेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और छत्तीसगढ़ के मंत्री शिव डहरिया के इस बारे में क्या कहना है। कांग्रेस की बैठक तो हमेशा होती रहती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे स्थानीय नेतागण मीटिंग हमेशा करते रहते हैं। हम तो सबको लेके पहले से हमारी पार्टी चलती है। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी समाज सभी धर्मों को सम्मान करती है, अल्पसंख्यकों को और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी को लेकर चलती है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने देश का सबसे पहला अल्पसंख्यक मंत्री मौलाना आजाद को बनाया है, लेकिन शिक्षा में सबसे ज़्यादा पिछड़ा समाज है तो मुसलमान है, और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती कि समाज का है, नेता कौन सा अच्छा है। हमने भी मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बनाया, हमारे साथ भी एम जे अकबर साहब थे, हमारे साथ भी नजबा अब्दुल्ला थी। वो कौन शूट करेगा, जैसे हम डॉक्टर ढूंढते हैं तो ये देखते हैं कि कौन नब्ज अच्छा देख रहा है, किसकी दवाई परफेक्ट है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गुलजीब अहमद, कांग्रेस नेता हैं, और डॉक्टर सलीम राज प्रभारी हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के, उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सलीम साहब, आपसे ही शुरुआत करेंगे। एक तो आप पर टैग लगा हुआ है कि आप हिंदुओं के हिमायती हैं, और अब आप जा रहे हैं अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में उनका विश्वास जीतने के लिए, तो कैसे भरोसा करें जब देश के अन्य राज्यों से दूसरे क्षेत्रों से ऐसी आवाज़ें आती हैं, ऐसे मामले आते हैं, तो वो अल्पसंख्यक समाज क्या आप पे भरोसा करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती है, ये तय है। हिंदुत्व क्या है? एक हिंदुत्व जीवन पद्धति है और सनातन धर्म है। भारत में रहने वाला सब हिंदू है, ये तय कर लीजिए। तो हम तो राष्ट्र की बात करते हैं, इसलिए जो भी है हिंदू, हिंदुत्व की बात कर रहे कोई गलत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। बात रही भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की, कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करी है और 70 साल तक मुसलमानों को वोट बैंक कर रखी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, दलितों से भी खराब हालत मुसलमानों की, इसका जिम्मेदार कौन है ये कांग्रेस बताए। तो कांग्रेस जिम्मेदार है, वो अल्पसंख्यक की समाज की राजनीति नहीं करते। अहमद साहब, वो कह रहे हैं कि 70 सालों से आपने देश में शासन किया और जो आज अल्पसंख्यकों की हालत है, खासकर मुस्लिम समाज की, पिछड़ा है, शिक्षित नहीं हो पाया है, दलितों से ज्यादा दुर्दशा है उसकी, आपकी वजह से। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे इस मौका दिया है। मैं सबसे पहले सलीम जी को याद दिलाना चाहूंगा कि इनके नेता और ये खुद कितने साल तक के 70 साल का रोना रोएंगे। इनकी पिछले 8 साल से केंद्र में सरकार है, 8 साल में इन्होंने क्या किया है? पिछले 4 साल में मेरे पास आंकड़े रखे हैं ब्रजेश जी, पिछले 4 साल में 134 लिंचिंग के मामले हुए हैं, जो कि एक अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। सलीम जी मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, जब आप बोलेंगे मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। ठीक है अहमद जी, बोलिए। मौलाना आजाद फेलोशिप जो प्रोग्राम कांग्रेस की सरकार ने चलाया था, उसे भाजपा ने क्यों बंद कर दिया? अल्पसंख्यक मामलों में जो बजट में 38% की कटौती हुई है, आपने 2 दिन पहले ही जो बजट आया है, इनकी सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया है उसमें 2022-23 में 5020 करोड़ का अल्पसंख्यक मामलों के लिए बजट तय किया गया था, लेकिन जो कि 38% कटौती करके
23-24 के बजट में 3,097% कर दिया गया है। मदरसे और अल्पसंख्यक जो शिक्षा के लिए पहले बजट जो 160 करोड़ था उसमें 93% की कटौती करके वो केवल अब 10 करोड़ बचा हुआ है। अब इन पूरे 8 साल में सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों की हत्या करवाने वाले, अल्पसंख्यकों को देश से निकालने वाले, पाकिस्तान जाओ का नारा देने वाले लोग जैसे ही चुनाव करीब आ गया है, अब अल्पसंख्यकों की इनको चिंता होने लगी है, अब इनका मोर्चा सामने आके उसमें बैठक करने लगा है। 8 साल से कहां थे भाई आप लोग, कब तक के 70 साल का रोना रोगे? 8 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, 8 साल में आपने क्या किया आप ये जवाब दीजिए। लेकिन 8 साल और 70 साल का तो तुलना नहीं हो सकती ना, 70 साल ज्यादा संख्या है, 8 साल बहुत कम संख्या है। तो आप ऐसी परिस्थितियां बनने नहीं चाहिए, 70 साल में तो पूरा परिवर्तन हो जाना चाहिए था। ब्रिजेश जी वर्तमान में बात करेंगे, 8 साल से भाजपा की सरकार है केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि एक ठीक अहमद साहब सलीम साहब वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के जो बजट में कटौती कर देते हैं, 38% की आपने कटौती कर दी, मदरसा में 93% की कटौती कर दी, तो ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? कटौती भी करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कैसे विश्वास करेंगे वो लोग? मेरे को गुर्रे जी की जानकारी में तरस आ रहा है, फिर बोल रहा हूँ गुर्रे जी की जानकारी में तरस आ रहा है। गुर्रे जी को पूरा अध्ययन करके बैठना चाहिए, ये तय है। मैं पूरा अध्ययन करके बैठा हूँ सलीम जी, आप कई दिनों से मूल मूल राजनीति से दूर बैठे हुए करके आपको आंकड़ों का पता नहीं है। आप दो दिन पहले बजट आया है, आप कॉपी निकाल लीजिए, उनका जवाब तो आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए, वो कौन से तत्व पेश कर रहे हैं ये भी तो सुन लीजिए। तो अल्पसंख्यक के पे हम ये बात करेंगे कि अल्पसंख्यक मामलों में जो बजट 2022-23 में 5,020 करोड़, वो अल्पसंख्यक में मुसलमान नहीं आते ये जानकारी होना चाहिए आपको। अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं आते, जैन भी आता है, सिख भी आता है, बौद्ध भी आता है। हम बैठक अल्पसंख्यक हम ये डिबेट मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के लिए कर रहे हैं। मैं मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे अल्पसंख्यक के बजट में जो 38% की कटौती हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात अच्छे से सुनिए, पूरे अल्पसंख्यक मामलों ठीक है, जवाब तो ले लीजिए, होता था आपने एक बार बता दिया ना अहमद साहब, आप जवाब ले लीजिए, बोलिए सलीम राज साहब। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक का बजट देख लीजिए, आपका 2012-2013 का बजट देखिए और हमारा बजट देख लीजिए, छात्रवृत्ति वाला देख लीजिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदरसों के आधुनिकीकरण। हम यहाँ पे जो डिबेट हो रही है वो अल्पसंख्यकों को भाजपा दिखाने की जो कोशिश कर रही है उसमें डिबेट हो रही है। पूरे बजट में एक एक करके बोलिए, मैं ज्यादा आंकड़ों पेश करता हूँ आपको, एक एक करके बोलिए, आ जाने दीजिए पूरी बात। ब्रिजेश जी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो मामले हमारी जो यहाँ डिबेट जिस मुद्दे पे हो रही है हम उस मुद्दे पे रहे, अगर हमें बजट पे बहस करना है तो पूरी पूरी बात तो आ जाए उनकी। वो कह रहे हैं शिक्षा में क्या शिक्षित नहीं होंगे क्या अल्पसंख्यक, उसमें जब पूरी बात ही नहीं आएगी तो उसका अर्थ कैसे निकालें? मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष करके अल्पसंख्यकों के उद्धार के लिए उसके लिए अलग से जब मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, उचित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। उचित जी जिस तरह की सियासत चल रही है, जिस तरह के बीजेपी को लेकर एक धारणा बनी हुई है समाज में, खासकर हम अल्पसंख्यकों की बात करें तो क्या आपको लगता है कि ये किस उद्देश्य से इस तरह से अभियान चलाया जा रहा है और इसमें क्या सफलता मिलेगी, भरोसा करेंगे लोग? ब्रिजेश जी ये इनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और अल्पसंख्यक एक प्रोडक्ट है जिसको अपनी ओर आकर्षित करना है, ये कॉन्सेप्ट सेल करते हैं और अब इनको भारतीय जनता पार्टी के आप छत्तीसगढ़ के रूप में व्यापक रूप में सुनना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ जी सुनना चाहते हैं जी, छत्तीसगढ़ के रूप में सुनना चाहता हूँ कि क्या फायदा मिलेगा। देखिए आप इसको देखिए कि छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक का टोटल परसेंटेज फैक्ट एंड फिगर नहीं है वर्तमान स्थिति में, तो मैं समझता हूँ कि लगभग 5% अल्पसंख्यक छत्तीसगढ़ में है, इसमें मुस्लिम बाहुल्य 2.2 है,
लगभग 1.92 आपके क्रिश्चियन है और बाकी 0.25 बाकी सब, तो मेरे ख्याल से लगभग 5% के आसपास अल्पसंख्यक है। तो नो डाउट की देखिए अल्पसंख्यक जो समुदाय है, अल्पसंख्यक एक दल है, एक जो पूरा अल्पसंख्यक समाज है, वो हकीकत ये है कि वो कांग्रेस के साथ कंफर्ट फील करता है क्योंकि उसमें बड़ा तबका छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन है, बड़ा तबका मुस्लिम है जो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी दूरियां रखते हैं। ये बात भी सत्य है, भारतीय जनता पार्टी समय समय पे जैसे राष्ट्र में वो मिलेट योजना ला रहे हैं, जल जीवन मिशन योजना ला रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग योजना ला रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो पार्टी के दौरान पार्टी में भी वो समय समय पे इस तरीके के प्रोपोगंडा और एक विशेष फोकस वो करते रहते हैं, एक विशेष अभियान ला के उनको अपनी ओर आकर्षित करने का उनका प्रयास रहता है। या ये भी हो सकता है शर्मा जी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सर्वमान्य घोषित करने की कोशिश की जा रही हो कि सब हमको समान रूप से सब देख रहे हैं, जो एक छवि बन गई है उसको भी सुधारने का प्रयास हो सकता है। वो माने अभी हकीकत ये है कि पूरी की पूरी आप इसको राजनीति से ब्रजेश छोड़िए, हकीकत ये है कि अभी इनके पास, इनको पहले जो लगता था कि पहले भारतीय जनता पार्टी को 80-20 के रेशियो में उन्होंने बांट दिया था, इन्होंने कहता है कि 80 पे हम फोकस करेंगे तो 80 का जो 45-50% हम ले लेंगे, हमको 20% वोट चाहिए ही नहीं। तो ये गोलबंदी है, वोटों की गोलबंदी के कारण भारतीय जनता पार्टी इस स्थान पर पहुंची है, उनको उस 20% से पर्टिकुलर 20% से उनको चाहती नहीं है, उनको 20% का विरोध करके 80% को अपने फेवर करने की स्ट्रेटेजी पे वो चलते हैं। ये हकीकत है, बड़े नेता बोल पाए नहीं बोल पाए डॉक्टर सलीम राज जैसे, लेकिन हकीकत जहां से हम लोग देखते हैं वो यही है। अब 80 में से वो 45 से 50 को अपने पास खींच लेते हैं गोलबंदी करके, अब उसमें से जो कुछ टूट रहे हैं, लेकिन अब कुछ समय बाद जब 8-9 साल सत्ता में रहने के बाद ये चीज समझ में आई कि अब इन 20% को या 25% को आप छोड़ा नहीं जा सकता, इनको भी जो वोट फिसल रहे हैं, जो उत्तर भारत से इनको जो चोट लग सकती है भविष्य की, उस वोट को जो कमतर वोट होने वाले हैं, उस वोट को साधने का प्रयास वो अल्पसंख्यक से करेंगे, ये अल्पसंख्यक के हितैषी बनने का प्रयास एक बड़े तबके के साथ करेंगे जो फिलहाल वर्तमान स्थिति में इनके बहुत कम परसेंटेज में। हकीकत में अगर बहुत साफ शब्दों में ब्रजेश आप सुनेंगे तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो बड़ा तबका है, वो परमानेंट आप बोलेंगे कि एक पूर्णकालीन वो कांग्रेस के पास है। लेकिन हमने देखा भी है ना उचित जी कि वो कुछ क्षेत्रों में बढ़ जाता है, समाजवादी पार्टी के साथ चला जाता है, ओबीसी के साथ चला जाता है, बसपा के साथ चला जाता है, कांग्रेस और भाजपा की बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप प्रदेश में जाते हैं तो वो बढ़ जाता है। तो वैसे व्यापक रूप में जब आप देखें तो ये जो है वो बहुत मैक्सिमम स्कोर जो है इसका स्कोर जो है वो कांग्रेस के पाले में जाता दिखता है, लेकिन वहीं पे ये उनकी कांग्रेस के खेमे में ये गोल मारने वाली बात है कि उस खेमे में सेंध करके कुछ वोट अपनी तरफ तब्दील करने का भारतीय जनता पार्टी का निश्चित ही एक राजनीतिक प्रयास रहेगा, जिसमें किस हद तक सफल हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं उस तरफ, और हो सकता है उनको विश्वास जो जागृत हुआ है वो उत्तर प्रदेश से हो, जहाँ पहले उनको 5% मिला था, फिर 9% अल्पसंख्यकों का वोट मिल गया, फिर हमने देखा है कि आजमपुर सीट हो, रामपुर सीट हो, अल्पसंख्यक बहुल है, वहाँ दोनों ने जीत लिया, तो शायद इसलिए ये अभियान चलाने का एक भरोसा जागृत हुआ। मैं आऊँगा एम एस साहब आपके पास, सलीम साहब के पास, वोट बैंक आपका किस तरह है, कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं आप, क्योंकि वो कोर कांग्रेस का वोट बैंक है, लेकिन क्या नारायणपुर की घटना के बाद छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक आप पर भरोसा करेंगे? फिर मेरा वही सवाल, एक तरफ आपके जिलाध्यक्ष से लेके कार्यकर्ता गिरफ्तार होते हैं। देखिए साहब, हम धर्मांतरण के विरोध है, ये आज हमारा फाइनल है कि जो समाज में है पैसे की और सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन देश में नहीं चलेगा। क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन रहे, मुसलमान रहे तो मुसलमान रहे, सेवा और पैसे की आड़ में धर्म परिवर्तन नहीं होगा, इसके लिए तय है। उसके बाद ये कांग्रेस ईसाई लोग के समर्थन में लगातार आ रही है, कांग्रेस धर्मांतरण करा रही है, मैं सीधा ब्लेम लगा रहा हूं बीजेपी बीजेपी बीजेपी। देखिए आप खुद इनके नेता यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये कांग्रेस किसी के समर्थन में आ रही है, ये उसका विरोध करेंगे, ये सीधी सीधी तो धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं, समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं, समर्थन अलग चीज हो गई, धर्मांतरण अलग चीज हो गई। पैसा और सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा, ब्रजेश जी को क्लियर है, बता दी गुलरेश जी, आपके द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है और हमारे जिला अध्यक्ष को रासुका लगाया जा रहा है, वाह क्या
जी, एक भाजपा का जिला अध्यक्ष जिसके द्वारा एक समुदाय के ऊपर उनके बहस कर चुके हैं, पहले दो डिबेट हो चुकी है, उस पर मत जाइए, वो तो एक उदाहरण के रूप में मैंने कहा था, कैसे भरोसा करेंगे? नहीं, मैं आपको बता, आपने बात निकाली तो वो सही बात है कि जब आप अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए तो आप सबसे पहले अल्पसंख्यकों के लिए हित में कुछ काम तो करें, राजनीति हित में कुछ काम तो करें। आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, कांग्रेस क्रिश्चियन समाज को खुश करना, अल्पसंख्यकों को खुश करना, लॉलीपॉप देना कि आपको सरकार आ जाएंगी तो पाकिस्तान। आज आपके नेता नरेंद्र मोदी को तू कहना पड़ रहा है का काम करिए, और आज नरेंद्र मोदी को तू कहना पड़ रहा है कि हमको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, जैसा कि उचित जी ने बहुत ही अच्छा और सटीक विश्लेषण बताया कि उनकी जो जमीन खसकने लगी थी उस जमीन पे उनको सहमत, अभी 350 सीटें आने वाली है सलीम जी, जब भी आपको अल्पसंख्यकों की याद आ रही है, वरना 8 सालों से मुसलमानों और बाकी क्रिश्चियनों की आप हत्याएं करा रहे थे, आज आपके पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, आपका सांसद और आपका पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा एक क्षेत्र में दंगा कराने के लिए, सांप्रदायिक हिंसा कराने के लिए आरोपी है, आपका भाजपा का जिला अध्यक्ष एक धर्म स्थल को लेकिन वो कह रहे हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कांग्रेस डराने का काम बंद कर दे, जो भी है ना तुष्टीकरण की, विजय जी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती कांग्रेस, सब जो है की राजनीति करती है कांग्रेस के लिए 80% और 20% का रेशियो नहीं है। लेकिन सलीम साहब एक मिनट, लेकिन कांग्रेस के लिए ये है कि सबसे पहला देश की सरकारी संसाधनों पर हक अल्पसंख्यकों का होगा, पीएम रहते हुए कहते हैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी, यदि अल्पसंख्यकों की बात यदि वो कर रहे हैं तो उसमें उनका भरोसा है ना, जो मैंने आपसे कहा पहले भी जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में उनको थोड़ा समर्थन मिला, योजनाएं जो भी आ रही हैं, मकान बन रहे हैं पीएम आवास के, तो किसी को चेहरा देख के धर्म देख के तो नहीं दिए जा रहे ना, तो भरोसा उनका जागृत हुआ है इसलिए जा रहे हैं उनके बीच में, और आपको डर लग रहा है शायद कि आपका वोट बैंक खिसक जाएगा। अल्पसंख्यकों को साधना था, वहां पे 20% ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां पे अल्पसंख्यक डिसाइडिंग वोट है, लेकिन वहां की 400 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव में नहीं उतारा, तो ये किस तरीके से उनका हित साधेंगे जब उनको प्रतिनिधित्व करने देने का मौका नहीं देना चाहते? ये किस तरीके से मुस्लिमों की हितकारी होगा, अल्पसंख्यकों की हितकारी होगा? ये मंत्री भी तो बनाया वहां अल्पसंख्यक से, ठीक है जवाब देंगे सलीम साहब, आप जवाब दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती, तय है हमको जो योग्य लगता है और जीतने वाला कैंडिडेट रहता है। मतलब आप ये चीज मानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की 400 सीटों में एक भी मुसलमान प्रत्याशी योग्य नहीं है या फिर वो जीतने लायक नहीं है? बिल्कुल, आज ये स्थिति या मान रहे हैं इस बात को? मैं स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि इसीलिए अल्पसंख्यक हम साथ दे रहा है और अल्पसंख्यक की पॉलिटिशियन को ला रहा है कि उन लोगों को हम प्रतिनिधित्व दे, क्योंकि अभी तक हम कांग्रेस ने ऐसा डर पैदा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, भाजपा की सरकार आएगी दंगा होगा, कांग्रेस ने ऐसा डर पैदा कर दिया। सलीम जी आपके नेता खुले मंच से कहते हैं कि मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ, कांग्रेस कहीं पे ये नहीं बोलती कि बीजेपी तो खुद उसका दिखावा कर रही है खुले मंच से। आप लोग डर पैदा कर रहे हो, ये डर आपके नेता की वजह से पैदा हुआ। आपका नेता खुले मंच से कह रहा है कि पाकिस्तान मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पाकिस्तानी आपका जो पाकिस्तान का समर्थक मुसलमान है हिंदुस्तान में गद्दार, उसको जाने का बोल रहे हैं। आपके कैबिनेट केंद्रीय मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, वो कह रहे हैं गोली मारो सालों को, किनको गोली मारने की बात कर रहे हो? गद्दारों को, गद्दारों को। सलीम जी हिंदुस्तान में रहते हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं। चलिए माफी चाहता हूँ, मैं समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा जारी नहीं रख पाएंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अल्पसंख्यक कितना भरोसा करते हैं बीजेपी पर, ये तो आने वाले चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन एक कोशिश अच्छी है, कम से कम 80-20 का जो नारा था उससे तो पीछा हट गया, कम से कम बीजेपी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश तो कर रही और अच्छी पहल का स्वागत होना चाहिए। अब ये अल्पसंख्यकों के ऊपर है कि वो कितना भरोसा करती या नहीं करती, लेकिन भरोसा भी जब तक आप संपर्क नहीं करोगे, संवाद नहीं करोगे, तब तक आता नहीं है। तो ये प्रक्रिया जिसकी शुरुआत पीएम के कहने पर हुई है, शायद इसकी सराहना तो की जाना चाहिए। बाकी सियासत है तो सियासत में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।